सो तुम सभी लोगों से एक सवाल है, तो यार आखिरी बार कब तुम लोगों ने अपने पापा की तरफ देख के सोचा था कि ये हमारे लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं बिना कुछ बोले बिना कुछ जताए। तो आज की पहली स्टोरी तुम लोगों को यही चीज रियलाइज करवाने वाली है। तो स्टोरी की शुरुआत में क्रिसमस का टाइम दिखाया जाता है। डोरेमोन के शहर में हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ स्पेशल कर रहा होता है। नोबिता और बाकी सारे दोस्त भी अपने क्रिसमस गिफ्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। नोबिता प्लेग्राउंड से खेल के अपने घर आ जाता है। नोबिता घर पे अपने पापा मम्मी को बात करते हुए चुपके से सुन लेता है, जो कि नोबिता के गिफ्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। नोबिता के डैड बोलते हैं कि नोबिता की साइकिल बहुत पुरानी हो चुकी है, क्यों ना इस बार नोबिता को नई साइकिल गिफ्ट कर दें। इस बात पे नोबिता की मॉम बोलती है कि साइकिल तो बहुत महंगी आएगी और अगर हम लोग नोबिता के लिए साइकिल खरीद देते हैं तो आप अपने लिए बहुत दिनों से जो गिफ्ट खरीदना चाहते थे वो कैसे खरीदोगे। तो फिर इस बात पे नोबिता के डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार नोबिता के लिए एक साइकिल खरीद लेते हैं और कभी और मुझे बोनस मिला तो मैं अपने लिए खरीद लूंगा। यार यही सेम चीज तुम्हारी मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए कितनी ही बार करी होगी, अपनी इच्छाओं को साइड रखे तुम्हारी इच्छाएं पूरी करी होंगी। खासकर अगर तुम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से होगे तो ये सब चीजें तुम लोगों ने अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी होगी। यार मैंने ना आज तक कभी अपनी मम्मी को अपने पापा से कोई महंगे कपड़े या गहने मांगते हुए नहीं देखा। पापा वाले ही कितने भी पुराने कपड़े पहन लेते, लेकिन हमारे स्कूल की फीस वो तुरंत भर देते थे। एंड यार मेरे ख्याल से हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए ना सबसे बड़ी मोटिवेशन की चीज भी यही होती है। तो सिंचन की अडल्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक नाम की मूवी में हमें ऐसे ही सिंचन की फादर की बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है। सिंचन के डैड एक बड़े ही छोटे गांव से होते हैं। धीरे धीरे बड़े होने पे जिम्मेदारी के कारण उनको अपना वही प्यारा गांव और घर छोड़ के एक अनजान शहर में आना पड़ता है, जहां पे लोगों के तौर तरीके बहुत डिफरेंट होते हैं। फिर भी कैसे ना कैसे करके उनकी नौकरी लगती है, लेकिन नौकरी में भी उनको शुरुआत में बहुत डांट पड़ती है। एंड उसके बाद भी रोज सुबह उठ के नौकरी पे जाना, पूरे दिन भर जॉब करना और रात को ट्रेन में खड़े होकर आना। इतनी मेहनत के बाद भी जब वो रात को घर आके अपनी फैमिली से मिलते हैं ना, तो वो सबसे खुश इंसान होते हैं। और देखा जाए तो हम सभी के पापा की कहीं ना कहीं ऐसी ही स्टोरी है, एक छोटे से गांव में एक अनजान शहर में आना। तो यार कैसा होगा अगर तुम लोगों को एक बार फिर से मौका मिल जाए अपने बचपन में जाने का। तो यार डोरेमोन की नेक्स्ट स्टोरी में तुम्हें उसका पता चलने वाला है। एंड तुम में से जो लोग थोड़े बड़े होंगे ना, वो इस स्टोरी से ऑफ कोर्स रिलेट कर पाएंगे। तो इस स्टोरी में 50 साल वाला मिडिल एज नोबिता आज के करंट नोबिता की टाइमलाइन में आ जाता है और वो आते ही करंट वाले नोबिता के साथ अपनी बॉडी स्वैप कर लेता है। मिडिल एज नोबिता अपने पुराने शहर को देख के बहुत इमोशनल हो जाता है। यार लगभग हम सभी के साथ ऐसा ही होता है ना, टाइम के साथ चीजें कितनी बदल जाती हैं। जहाँ कहीं पहले पेड़ हुआ करते थे वहाँ आज घर हो जाते हैं। ये समय कितना अजीब होता है ना। जब तक हम उस टाइम को जी रहे होते हैं तब तक हम उस टाइम का महत्व नहीं समझ पाते, लेकिन बीत जाने के बाद वही टाइम हमारे लिए एक खूबसूरत याद बन जाता है। मिडिल एज रोबिता अपने पुराने दोस्तों के साथ खेलने लग जाता है एंड इवन जियान के गुस्सा करने पे भी उसको अच्छा लग रहा होता है। तो यार तुम लोग भी जरूर ये चीजें सोचना और बताना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बचपन की कौन सी यादें हैं जिसके बारे में सोच के तुम हमेशा खुश हो जाते हो। रात को मिडिल एज नोबिता घर पे आके डिनर करता है अपने मॉम एंड डैड के साथ और फिर वो सीनियर नोबिता अपनी माँ के हाथ का खाना खाते खाते रोने लग जाता है। वो बोलता है कि मम्मी आपकी जितना दुनिया में टेस्टी खाना कोई भी नहीं बनाता। खाने के बाद मिडिल एज नोबिता अपने पापा के साथ नहाने जाता है। अपने पापा को देख के वो सोचता है कि पहले पापा कितने यंग हुआ करते थे और जो मिडिल एज वाले नोबिता के पापा हैं उनकी मसल्स कितनी घट चुकी हैं और वो कितने बूढ़े हो चुके हैं। यार मैं तुम लोगों को कोई लेक्चर नहीं देना चाहता, लेकिन तुम अपने माँ बाप के लिए जितना कर सकते हो ना उतना करा करो। तो यार आखिर में मैं तुम लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ मेरे लिए एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट के बारे में। तो यार स्टोरी नहीं इमोशन सुनना। स्टैंड बाय मी डोरेमोन मूवी के एंड में जब डोरेमोन को ये बात पता चलती है कि उसको नोबिता को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए फ्यूचर जाना पड़ेगा, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन वो इस मोमेंट पे भी अपने बारे में नहीं नोबिता के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर नोबिता कैसे रहेगा उसके बिना। और जब डोरेमोन के जाने वाली बात नोबिता को पता चलती है तो सबसे पहले तो नोबिता डोरेमोन को बहुत रुकने का ट्राई करता है, लेकिन जब ये बात उसको पता चल जाती है कि डोरेमोन नहीं रुकने वाला, तो फिर वो जाता है अपने सबसे बड़े फियर जियान के पास। नोबिता को ये बात पता थी कि नोबिता कितना वीक है, वो जियान के सामने कभी टिक नहीं पाएगा। फिर भी वो जियान से लड़ने जाता है क्योंकि वो चाहता है कि जब डोरेमोन उसको छोड़ के हमेशा के लिए फ्यूचर में अकेले रहे तो फिर डोरेमोन नोबिता की कमजोरियों के बारे में सोच के दुखी ना हो। नोबिता को ये बात पता था कि डोरेमोन नोबिता के बारे में कितना ज्यादा सोचता है और नोबिता से अलग होने के बाद भी सोचता रहेगा, इसीलिए नोबिता डोरेमोन को उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए जियान से लड़के खुद को प्रूफ करने जाता है। जियान नोबिता को बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन नोबिता की जिंदगी में पहली बार नोबिता जियान से मार खाते हुए कोई भी दर्द महसूस नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसके दिल में जो डोरेमोन से अलग होने का दर्द होता है वो कई ज्यादा गुना बड़ा होता है। इसीलिए नोबिता जियान से लड़ते रहता है और तब तक लड़ते रहता है जब तक वो जियान को हरा नहीं देता और को ये बात प्रूफ कर देता है कि डोरेमोन ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। डोरेमोन ने एक ऐसा नोबिता बना दिया जो कि अपने लिए लड़ सकता है और इसी के साथ ही डोरेमोन को वो उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देता है। घर आने पे डोरेमोन और नोबिता साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं और नोबिता की आंख लग जाती है, लेकिन डोरेमोन रात भर बैठ के अपने प्यारे दोस्त नोबिता का चेहरा देख रहा होता है। डोरेमोन अपने दोस्त को छोड़ के जाने से पहले बस जी भर के देख लेना चाहता था। तो यार अगर ये रियल कनेक्शन नहीं तो मुझे नहीं पता कि और क्या है। असली प्यार किसी को अपने साथ रखने में नहीं, उनकी खुशी के लिए उनको जाने देने में है।
सो आई होप यार कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यार इस वीडियो को यहाँ तक तुम में से कोई भी दिख रहा है ना तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई तो तुम लोग भी मेरी तरह ही हो यार। तो थैंक यू यार मेरा साथ देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और आज के लिए गुड बाय।